लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही अब एमपी के सबसे बड़े राजनीति के केंद्र इंदौर में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जब रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से इस बारे में पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा इस खास रिपोर्ट में। क्या कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे इंदौर से लोकसभा चुनाव? सीधे सवाल पर विजयवर्गीय ने दिया सीधा जवाब। कैलाश बोले, पार्टी कहेगी तो मना नहीं करेंगे। दरअसल रविवार सुबह जब बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय से मीडिया ने सवाल किया कि वे क्या इंदौर से संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो ये संडे सियासत वाला संडे बन गया। जी हाँ, इस सीधे सवाल के जवाब में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले कि यदि पार्टी कहेगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे और मना नहीं करेंगे। आप खुद ही सुन लीजिए किस तरह से, किस अंदाज में विजयवर्गीय ने सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया। इसका मतलब है कि अभी से घबराहट है उनको हार की, क्योंकि किसी के सिर पर तो ठीकरा फोड़ना है। देखिए, मैं तो बंगाल में भी व्यस्त हूँ, पर यदि पार्टी आदेश देगी तो मना थोड़ी कर सकता हूँ। तो देखा आपने कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए सटीक जवाब पेश किया। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में विजयवर्गीय ने बॉस का इशारा होते ही सरकार गिराने के बयान पर हुए पलटवार को लेकर भी बेबाकी दिखाई। इस पर विजयवर्गीय बोले कि अब वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, समय आने पर सभी को समझ आ जाएगा। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, अब मौका आएगा तो उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इसका जवाब अपने आप लोगों को मिल जाएगा। कुल मिलाकर सियासी अंदाज में संडे को सुबह सुबह कैलाश विजयवर्गीय ने सियासत का बेबाक अंदाज पेश किया और सीधे सवालों पर करारा जवाब दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।